अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8th क्लास के नेक्स्ट एमसीक्यूज और डेफिनेशन करते हैं। ये पहले कुछ डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हम इनको करते हैं, उसके बाद इनके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इसमें जो आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिहाज से डेफिनेशन करनी है वो ये सारा डाटा गिवन है, ये आप लोगों ने देख लेना है, इसका ये अरेंज करके लिखा हुआ है इस डाटे को छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। ये सारा अरेंज करके लिखा हुआ है। अब इस डाटे में से सिलेक्ट किया है मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर क्या है इधर 12, मिनिमम नंबर क्या है 12 और मैक्सिमम नंबर क्या है, मिनिमम नंबर 12 और मैक्सिमम नंबर है इधर 77। अब हमने अगर रेंज फाइंड करनी हो आर, तो हम क्या करेंगे 77 माइनस 12 कर देंगे, तो रेंज का आंसर आ जाएगा 65, ठीक है। अब आप लोगों को ये तो थोड़ा ज़्यादा बड़े उसमें डाटा गिवन है ना, डाटा जो मर्सी गिवन हो छोटा हो या बड़ा, बट आप लोगों ने क्या कर लेना है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद अगर वो आप लोगों से पूछे कि रेंज फाइंड करनी है, रेंज का फार्मूला सिंपल ही है कि रेंज इज इक्वल टू एम मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम को माइनस कर देना है मिनिमम में से, जो भी आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। ये इधर डी किया हुआ सॉल्व। नेक्स्ट कहता है कि क्लास इंटरवल जो है इधर गिवन है 7। अब कहते हैं कि क्या करें, क्लास इंटरवल का साइज़ फाइंड करें। क्लास इंटरवल का साइज़ फाइंड करने का फार्मूला है कि रेंज ओवर क्लास इंटरवल का हमने क्या फाइंड करना है, साइज़ रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस। अब नंबर ऑफ क्लासेस इधर गिवन है, ये देखें 7, और हमने रेंज फाइंड की है इधर आ गई थी 65 को 7 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लास इंटरवल का साइज़ आ जाएगा। क्लास इंटरवल का साइज कितना आ गया, 10 आ गया। नेक्स्ट जो आप लोगों ने करना है इसमें से वो ये डेफिनेशंस करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनको तो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। इनके लाजमी एक या दो क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं हर पेपर में। सबसे पहले डेफिनेशन है मीन की या एवरेज की, ये दोनों सेम होती हैं, एवरेज पूछ ले या मीन पूछ ले, दोनों का ये होता है कि जो भी हमारे पास डाटा गिवन हो, वो 10 हो या 15 हो, जितने भी नंबर गिवन हो हमारे पास, उनको सबका क्या कर लेना, ऐड कर लेना सम ऑफ द नंबर्स एंड उसको टोटल नंबर से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। अब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या गिवन है, 2, 4, 6, 9 एंड 12। अब हमने एवरेज फाइंड करना है, आप लोगों ने इनको क्या कर देना, ऐड कर देना है 2 + 4 + 6 + 9 + 12, और काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हैं तो इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो ये एवरेज आ जाएगी या हमारे पास मीन आ जाएगा, तो इनकी टोटल ऐड करने से क्या बनता है 33 और 5। 33 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 66 आ जाएगी एवरेज हमारे पास। अब आप लोगों ने याद रख लेना है कि मीन एंड एवरेज दोनों सेम होते हैं, जो हमारे पास डाटा गिवन हो उसमें से उसको ऐड करके टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट कहता है कि वेटेड मीन, वेट मीन हमने कैसे फाइंड करना है, पहले आप लोगों को एक एक्स की वैल्यू चाहिए, उसको डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए x1 w1 + x2 w2, जितने भी हो हमें पहले इंटरवल चाहिए, उसके बाद उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे उसको क्या करना है, उसी वेट से ऐड करके डिवाइड कर देना है। अब ये देखिए एग्जांपल हमें गिवन है, एग्जांपल 1, इसकी कहते हैं कि एक स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं डिफरेंट मार्क्स 40, 50 एंड 60 इंग्लिश, मैथ एंड उर्दू में, और उसका जो वेट उन्होंने लिया है 5, 4 एंड 1। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, W1 और X1 चाहिए। अब हम पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करके W1 W2 W3 फाइंड कर लेते हैं, साथ एक्स भी आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई होके। अब ये देखिए ऊपर वाली वैल्यू बन गई है ये, और नीचे वाली वैल्यू हमें एक गिवन है। अब आप लोगों ने क्या करना है, 200 + 200 + 60 और मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर देना है हमने जो 5 + 4 + 1 के साथ। अभी ऊपर वाले ऐड होके हमें क्या दे देंगे, 6, 4, 6, 0 over 10। अभी इससे से कैंसिल आउट होके हमें आंसर क्या दे देगा, 46। हमारे पास क्या आ गया, 46 आ गया वेट मीन। वेट मीन का मतलब क्या है कि आपके पास एक एक्स की वैल्यू हो, एक डब्ल्यू की वैल्यू हो, एक थर्ड इंटरवल बनेगा, जिन दोनों को जो भी नंबर ऑफ टेन के होंगे उनको मल्टीप्लाई करके हम थर्ड टेबल्स बना लेंगे, वो एक्स और डब्ल्यू 1 बन जाएगा, ये 1, 2 एंड 3 बन जाएगा, उनको और इनको आपस में ऐड करके डिवाइड कर देना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी। अभी हम इसके क्या एमसीक्यूज भी सॉल्व नेक्स्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट कहते हैं कि मीडियन दो तरह के होते हैं, एक इवन और एक ऑड। अब हम जब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे
हॉड कैसे फाइंड करते हैं और इवन कैसे फाइंड करते हैं। मीडियन का मतलब ये होता है जो भी हमें डाटा गिवन हो उसको अरेंज कर लेना, उसके बाद इवन और ऑड फाइंड करना, क्योंकि जब हम काउंट करेंगे अगर वो इवन होगा तो हम इवन के लिहाज से फार्मूला लगाएंगे, अगर वो ऑड होगा तो हम ऑड के लिहाज से फार्मूला लगाएंगे। अब ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल गिवन है हमें, अब कहते हैं कि कैलकुलेट करें मीडियन। अब हम पहले क्या करते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 11 है, 11 क्या होता है, ऑड होता है, 11 नंबर है टोटल, तो ये ऑड बनेगा। ऑड के लिए कंडीशन ये है कि टोटल्स नंबर 11 है, 11 के अंदर 1 को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देना। अब ये क्या बन गया, 12/2, ये बन गया 6। अब आप लोगों ने जो ये गिवन भी 6 आ गया आंसर हमारे पास इसका। अब ये जो गिवन नंबर है ना हमें इसको अरेंज कर लेना है। अरेंज करते हैं हम पहले, इसको देखते हैं कि अरेंज करने से क्या बनता है। अरेंज करते हैं, पहले आता है 14 35 45 55 55 56 56 65 89 89 और 92। अब ये 11 रेंज हो गए। अभी हमने जो और नंबर्स को ऐड करके वैल्यू निकाली थी हमारे पास आई थी 6। अब और नंबर्स को फाइंड करने का जस्ट ये वे है कि अब आप लोग इसको काउंट करें 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अभी 6 आ गया तो ये इसका क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। ये और नंबर्स के लिए है, अरेंज करके नंबर्स को जो आंसर आता है डिवाइड करने से उधर जाके स्टॉप हो जाना है और वो उसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये ऑड नंबर्स का हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट है कि इसी को हमने क्या करना है, इवन नंबर्स के लिए भी कैलकुलेट करना है। अब इवन नंबर्स के लिए क्या है कि इसी डाटा को हम दोबारा से अरेंज करते हैं, 14 35 45 55 56 56 65 89 89 और 92। अब और नंबर्स के लिए ये है कि जो मिड के दो नंबर्स होंगे ना उनको आप लोगों ने ऐड कर लेना, इधर से कट गया ये कट गया, हम नंबर्स काटते जाते हैं लास्ट से, जो मिड में बच जाएंगे दो नंबर उनको हमने ऐड कर लेना, इधर से ये कैंसिल आउट, इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये। अब हमारे पास बीच में क्या बच गया, 55 एंड 56 हमारे पास दो नंबर बच गए हैं, 55 प्लस 56 ये दो नंबर बच गए थे। अब इन दो नंबर्स को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 2 से। अब इनको ऐड करो तो कितना है बताए, 111/2, 111 को हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये बन जाता है 55.5 आंसर आ जाता है। अब और नंबर्स के लिए ये है कि हमने जो भी गिवन डाटा हो उसको अरेंज कर लेना है, अरेंज करने के बाद जो आंसर आता है और नंबर को सॉल्व करने से वो हमारा क्या बन जाएगा, और नंबर का मीडियन बन जाएगा। और इवन नंबर्स के लिए ये है कि जो मिड में दो वैल्यू हो उनको क्या कर देना है, ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है जस्ट। अच्छा मोड की मोड क्या होता है, मोड जो भी नंबर्स अगर किसी भी गिवन नंबर में रिपीट हो रहे हों बार बार आ रहे हों तो वो बन जाएगा मोड। अब जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए 41 41 41, 3 बार 41 आया, 45 46 85 95। अब इसमें ज़्यादा बार जो नंबर आया है 41, तो हम इसमें क्या कह देंगे, मोड की वैल्यू क्या है 41, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही होगी उसको हम क्या कह देंगे, मोड। अब नेक्स्ट इसके MCQs देखते हैं, MCQs में भी यही किस्म के डेफिनेशन यूज़ होंगे जो हमने अभी पढ़े। अभी इसमें कहता है कि फाइंड द मीन्स, मीन्स फाइंड करना है, मीन के लिए क्या था कि मीन या एवरेज के लिए एक ही है कि जो भी टर्म्स गिवन हो उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है और टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर देना है, टोटल नंबर्स 1 2 3 4। अब ये देखें इसके अंदर 0 इंक्लूड है, 0 को भी काउंट करना है, कभी आप लोग 0 को काउंट नहीं करें फिर आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। अब हम इसको 4 पे डिवाइड करते हैं, इसको ऐड करने से 92 आंसर आ जाता है, 4 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 23 हमारे पास आंसर। नेक्स्ट में कहता है कि मीडियन ऑफ द डाटा, अब इस जो ये गिवन डाटा है इसका मीडियन फाइंड करना, मीडियन क्या होता है कि जो मिडल टर्म होती है वो। नेक्स्ट करते हैं कि मोड, मोड जो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे होंगे तो वो। अब आप लोग इसमें देखेंगे कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें 7 7 7 7 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसका मोड क्या बन जाएगा, 7। नेक्स्ट करते हैं कि रेंज, रेंज फाइंड करें, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रेंज के लिए था हमारे पास, रेंज के लिए था कि
रेंज का फार्मूला था मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब इसके अंदर से फाइंड आउट करें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इधर 10 माइनस 3, तो आंसर क्या आ गया 7। आप लोगों ने ऐसे ही क्या फाइंड कर लेना, रेंज फाइंड कर लेना, रेंज के लिए यही है कि मैक्सिमम और मिनिमम। अब कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, 2 की फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। अब देखें कि 2 इसके अंदर कितनी बार रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग भी ये होता है जो नंबर ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा होता वो। अब इसके अंदर 3 टाइम 2 रिपीट हो रहा है तो क्या बन जाएगी फ्रीक्वेंसी 3। नेक्स्ट करते हैं, कहते हैं कि मीडियन ऑफ द सेट 6 4 2 3 4 5 5 6। अब इसमें भी मीडियन फाइंड करना है। अब इसको पहले नंबर्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर है, मींस कि ये इवन नंबर है। अब इवन नंबर्स को हमने अरेंज कर लेना है पहले। अरेंज करने से क्या बन गया, 3 2 3 4 4 4 5 5 6। अब ये देखें 1 2 3 1 2 3, ये इस साइड पे 3 है, इस साइड पे 3 है, बीच में क्या बच गया 4 4, तो इसका मीडियन क्या बन जाएगा 4 4 4 4 प्लस 4 को हमने ऐड करना, 2 पे डिवाइड करना, ये 8/2, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये और नंबर्स के लिए हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं MCQs। फर्स्ट MCQ से लेकर के फॉलोइंग आर द वेट्स इन पाउंड्स ऑफ द 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स का ये वेट गिवन है, इसके अंदर हमने फाइंड क्या करना है, मोड एंड मीडियन। मोड के लिए था कि जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हो तो वो वैल्यू, और मीडियन के लिए ये कि हम अगर काउंट करके अरेंज कर लेते हैं। अब ये 10 नंबर हैं तो ये इवन नंबर है, इवन नंबर्स को हम मिड में से कैलकुलेट करेंगे। अब जो इसकी मिड की वैल्यू बनती है वो 90 90 बनती है, हम 90 90 को 2 बार ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 180 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, दोबारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, मीडियन आ गया। अच्छा, मोड को फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसके अंदर जस्ट देखें 95 ही कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार 95 है और 2 बार ही इसके अंदर 90 है, तो इसका मोड क्या आ जाएगा, 90 और 95। आप लोगों ने ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि एक नंबर अगर 2 बार आ रहा था, दूसरा नंबर भी 2 बार आ रहा था, हम इसमें से कौन सा लिखें, तो दोनों ही इसके क्या बन जाएंगे, मॉड बन जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखी हुई है कि हार्ट बीट्स ऑफ द चिल्ड्रन इज रिकॉर्डेड, बच्चे की हार्ट बीट्स को लिखा हुआ है और ये डिफरेंट साइज में हम लोगों ने रिकॉर्ड की हुई है, तो इनका आप लोगों ने फाइंड करना है मीन एंड मीडियन। जैसे हमने ऊपर फाइंड किया है वैसे ही इधर फाइंड करना है। फर्स्ट में हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते, इधर फाइंड करना है मीन। मीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा, इन सब को आप लोग ऐड कर लें, ऐड कर लिया और टोटल नंबर्स पे काउंट डिवाइड कर, टोटल नंबर्स ये 7 है, हमने इसको क्या कर दिया 7 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगी 121। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था, मोड। मोड के लिए था कि आप लोग इसके अंदर से चेक कर लें कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको लिख देना। अभी देखें 121 121, ये 2 टाइम्स आया, तो अब आप लोगों ने इधर क्या लिख देना है 120। नेक्स्ट कहता है रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज डिफरेंस होता है। रेंज हम ऐसे नहीं फाइंड करते थे, रेंज इज़ अ डिफरेंस मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के दरमियान का डिफरेंस होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रीक्वेंसी टेबल। टेबल के जरिए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंट क्वान्टिटी इज द, मतलब जो ज़्यादा क्वान्टिटी बार बार आती है उसको हम मोड कहते थे। नेक्स्ट कहते हैं कि इन द ऑड नंबर्स ऑफ द एटम्स अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड द मिडल वैल्यूज इज कॉल्ड द मिडल वैल्यू, जो होगी उसके क्या कहते थे, मीडियन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ द गिवन। अब इसका मीन फाइंड करना है। मीन के लिए जस्ट ये है, मीन के लिए मीन का फार्मूला ये है कि सम करना है ऑल नंबर्स का और टोटल नंबर्स पे से डिवाइड कर देना है, टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर देना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन सारे नंबर्स का 1 by 1 सम कर लेना है, ये गिवन है, और उसको टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर देना है, इसको काउंट कर लेना है। काउंट किया तो 10 नंबर्स है, 10 से डिवाइड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 17.5। नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड द रेंज। रेंज फाइंड करना करें इसके अंदर सबसे पहले आप लोग देखें कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू क्या है 30, और सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करने से तो छोटी वैल्यू है 4। 30 माइनस 4 करेंगे तो ये रेंज का फार्मूला था कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। 30 माइनस ये करेंगे तो 26 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा 26।
नेक्स्ट करते हैं, ये ऊपर वाला हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम किस से जाहिर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आफ्टर हाउ मैनी नंबर्स वी ड्रा द साइड लाइन इन द टाइटल बार। अब ये फाइव हो, टाइटल बार के हम उस तरफ कितने नंबर लिख सकते हैं, फोर नंबर लिख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज थे, आप लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, ये हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम कल या परसों तक ये बुक्स कंप्लीट कर लेंगे 8 क्लास की।